बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स। दिस इज़ द कंप्यूटर पीरियड स्टूडेंट्स। इन आर लास्ट टर्न वी वर डूइंग लेसन नंबर 1, सो दिस इज़ द फर्दर पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन लेसन ऑफ लेसन नंबर 1। ओके, सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 12 फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर। Firstly, in this explanation, you have to do mark the homework for today. Okay, this one, students, these you have studied about this. About all this you have studied. Okay, आप लोगों को इसकी सबकी full forms यहाँ पर सामने लिखनी है with the help of the chapter. ओके, प्रीवियस चैप्टर जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यू हैव टू राइट ऑल दी फुल फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नाउ वी विल एक्सप्लेन फर्दर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो हमारा आगे पीछे हमने क्या पढ़ा बच्चों? जनरेशंस पढ़ी थी पीछे, ठीक है? फाइव जनरेशंस थी जो हमने पढ़ी, और इन जनरेशन्स में किस किस तरह से कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर किस तरह किस किस तरह से डेवलप हुआ, ये सब हमने पढ़ा था। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कितनी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, विद रेस्पेक्ट ऑफ साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। किस चीज़ के रेस्पेक्ट को लेकर, किस चीज़ को लेकर? साइज, स्पीड, कॉस्ट यानी कीमत, स्टोरेज कैपेसिटी यानी उसके अंदर उसकी जो कितनी पावर है उसके अंदर। कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज हैं, ये हम देखेंगे। पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो जैसे नाम से ही पता लगता है कि माइक्रो यानी माइक्रो कहते हैं छोटी सी जो चीज़ होती है उसे माइक्रो कहते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा पार्ट है माइक्रो कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्ट लेस। बच्चों, इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और उनकी कीमत भी कम होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स एज दे आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर्स को, क्योंकि ये ज़्यादातर पर्सनल यूज़ के लिए ही बने होते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज। ज़्यादातर इनका माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ होता है? घरों में होता है, स्कूल्स में, शॉप्स में और ऑफिसेज में होता है। एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल हैं यानी कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, तो ये है कॉमोडोर 64 और IBM PC। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स दो तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू फिट ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क। डेस्क के ऊपर फिट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया होता है। दे कम इन सेवरल यूनिट्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर्स। इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, CPU और माउस भी होता है, जो कि एक दूसरे से किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट होते हैं? वायर्स के थ्रू, यानी तारों के, तारों से एक दूसरे को ये सारे यूनिट्स कनेक्ट होते हैं आपस में। लैपटॉप कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन लैप। लैप कहते हैं गोद को, जो हमारी गोद होती है। तो ये कंप्यूटर्स जो होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स, इनको हम अपनी गोद में रखकर भी काम कर सकते हैं। एंड आर स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। दे आर पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी इनको हम कहीं भी बंद करके ले जा सकते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, नॉट टर्न द पेज हियर। सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर आता है टैबलेट कंप्यूटर्स। ओके, दिस वन टैबलेट कंप्यूटर कौन सा होता है? दीज आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप। ये लैपटॉप से और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होता है उससे छोटे होते हैं और हल्के भी होते हैं। दीज कैन बी यूज टू ब्राउज द वेब। ये इंटरनेट चलाने के भी काम में आता है, प्ले गेम्स के, गेम्स खेलने के भी काम में आता है, म्यूजिक सुनने के काम में आता है, रीड बुक्स एंड सो ऑन, और बुक्स वगैरह रीड करने के काम में आते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स। बच्चों, ये टैबलेट कंप्यूटर जो हमने पढ़ा ये भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप था। ओके, सो थर्ड हमारा आता है
सॉरी सेकंड हमारा आता है मिनी कंप्यूटर्स, दीज आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ये जनरल पर्पस से बनाए जाते हैं, दैट कैन बी यूज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल यानी काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, दे आर यूज इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज एंड इन अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसे मिनी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और एक ही टाइम में इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है PDP-8, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं एंड हैव अ लार्ज मेमोरी, और इनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है, दे आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली। ये जो हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो कम से कम हज़ारों या सैकड़ों लोगों को, यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। दे आर यूज इन नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट, ये जो एक एनवायरनमेंट नेटवर्क का बना होता है उसमें ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये कंप्यूटर्स जो होते हैं महंगे होते हैं एंड आर यूज इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड साइंटिफिक लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं। कौन से कंप्यूटर्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी यही वाले कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? This and this, IBM Z series, PDP-10 and system Z10. Okay, these are the examples of mainframe computers. उसके बाद आते हैं बच्चों, कौन सा टाइप है ये? फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, ये बहुत पावरफुल और बहुत तेज कंप्यूटर्स होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये कंप्यूटर्स महंगे होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू चलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें, तो तभी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। दीज कंप्यूटर्स हैव ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, इनका क्या कौन कौन से काम में लिए जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स? मौसम बताने के, वेदर फॉरकास्टिंग, ग्राफिक्स यानी किसी चीज़ की अगर डिज़ाइनिंग करनी है बड़े लेवल पर, रिसर्च, इस सब में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सुपर कंप्यूटर्स के? ये हैं Cray-1, Cray-2, Param, Pace, ETA, 10 etc. ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सो यू कैन लर्न दीज नेम्स बाय क्लासीफाइंग डैम, अलग अलग उनको क्लासीफाई करके आप लोग इनके नेम लर्न कर लीजिएगा, कि मिनी कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल लर्न कीजिएगा और माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स, इन सब कंप्यूटर्स के आप जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़े हैं इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को लर्न करने हैं। पता होने चाहिए आप लोगों को कि माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का क्या होता है, मेन फ्रेम का और सुपर कंप्यूटर्स का क्या होता है। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज फॉर द पॉइंट्स एट अ ग्लांस। बच्चों पॉइंट्स एट अ ग्लांस में क्या दिखाया है? जनरेशंस हैं, जिस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है, यानी जनरेशंस नेम है पहली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इन जनरेशंस के सामने इनकी टेक्नोलॉजीज लिखी हुई हैं, कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, उसमें कौन से इनपुट और आउटपुट दिए जाते थे, किस टेक्नोलॉजी में कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट दिया जाता था। आफ्टर दैट इन कौन सी जनरेशन की कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी दी हुई हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हुए या इन्वेंट हुए। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये टेबल बनानी है, ऊपर डालना है आपको लेसन नंबर 1। ओके, ऐसे डालकर और आपको ये बनाना है अपनी बुक कॉपी की प्लेन वाली साइड पर, आप लोगों की वन साइडेड कॉपी है ना, तो प्लेन वाली जो साइड है पेज की उस पर आपको इसे बनाना है। नाउ वी आर कंप्लीटिंग आर चैप्टर हेयर। ओके,
That's all for today's class. Goodbye.